अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज आप लोगों को इटालियन डो की पेंटिंग बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सीशेल बनाना बताया था और इंशाल्लाह इस पेंटिंग में मैं आप लोगों को सीशेल के साथ अरेंजमेंट बताऊंगी। ये कुछ ऐसे कार्ड शीट है जो कि हमारे केक के साथ आता है नीचे, जिस पे केक रख के आते हैं, वो मैंने संभाल के रखे हैं क्योंकि इसकी भी हम बहुत सारे यूसेज में आपको बताऊंगी कि इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया है। आज मैं इस पे पेंटिंग बताऊंगी आपको कि हम इस पे भी पेंटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कैनवस ख़रीद लें, कैनवस भी बड़े महंगे आते हैं, तो हम इसको ही कैनवस बनाएंगे। लेकिन आज हम पेंटिंग करेंगे इटालियन डो के साथ। ये कैनवस या फिर जो हमारी हार्ड शीट है, हम इसको इस स्टैंड पे भी रख सकते हैं या फिर मैंने डोरी बांधी है इस तरह से वॉल हैंगिंग के लिए। सामने देखें दो होल किया है, डोरी को वहाँ से क्रॉस किया है निकाल के और फिर मैंने नॉट बांध दी है। इस तरह से हमारी ये वॉल हैंगिंग। और इसके लिए हमें चाहिए सिल्वर फॉलिंग पेपर जो हम इसमें वाइट ग्लू के साथ चिपकाएंगे। ब्रश चाहिए ताकि ये अच्छे से हमारे स्टिक हो जाए। उसके अलावा ये सैंड है, ये बजरी है जो कि मैंने हमारे मोहल्ले में किसी का घर बन रहा था, मैंने वहाँ से लिया है क्योंकि मुझे सीशेल भी एडजस्ट करना है, तो मैं नेचुरल लुक देने के लिए सीशेल को इस सैंड के ऊपर एडजस्ट करूँगी। तो हमारी ये दो तीन पार्ट में ये पेंटिंग होगी। पहले पार्ट में हम कलर करेंगे। ये एक्रीलिक ब्लैक कलर है, आप एक्रीलिक ले सकती हैं, ऑयल पेंट ले सकती हैं या फिर स्प्रे। मैं स्प्रे करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप तीनों में से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकती हैं। ग्लिटर चाहिए हमें क्योंकि मैं थोड़ा सा शाइनी लुक देना चाह रही हूँ क्योंकि रात का इफ़ेक्ट दूंगी, तो नाइट इफ़ेक्ट के लिए मैंने सिल्वर ग्लिटर को चूज़ किया है। सबसे पहले हम इस हार्ड शीट पे ग्लू लगाएंगे ब्रश की हेल्प से या अपने फिंगर की हेल्प से, और फिर हम सिल्वर फॉइल इसमें एडजस्ट करेंगे। ये वो पीसीस हैं सिल्वर फॉइल के जो हमारे बच जाते हैं, उसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी और ये मैं पूरे हार्ड शीट पे सिल्वर फॉइल लगाऊँगी। और जो हमारा बैक साइड है उसको भी हम इसी सिल्वर फॉइल से कवर कर लेंगे। छोटे छोटे पीसीस हमारे बच जाते हैं सिल्वर फॉइल के क्योंकि अभी दो तीन वीडियोस मैंने सिल्वर फॉइल के साथ बनाए हैं, तो ये सारे रिमेनिंग मेरे सिल्वर फॉइल्स थे, उसको सब मैं एडजस्ट करूँगी। और अब हम ब्लैक स्प्रे करेंगे। मैं हमेशा अपने टेरेस पे स्प्रे करती हूँ, रूम में नहीं, तो मैं रात का वक्त ही, इसलिए आपको ये वीडियो अजीब से लग रही होगी। और देखें स्प्रे करने के बाद मैं सिल्वर ग्लिटर ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ, तो कितना शाइनी लुक आ रहा है। शीट पे हमने ब्लैक स्प्रे कर दिया है, उसके साथ सिल्वर ग्लिटर भी स्प्रेड किया है। उसके कॉर्नर्स पे भी हमने ब्लैक स्प्रे किया है ताकि अगर साइड से नज़र आए तो बुरा ना लगे और हमें अलग से फ्रेम की ज़रूरत नहीं हो। अब हम सबसे पहले इस पे चांद का इफ़ेक्ट देंगे और नीचे फिर हम ये मट्टी लगाएंगे। चांद का इफ़ेक्ट देने के लिए सबसे पहले हम राउंड वाइट इटालियन डो लेंगे। मैंने थोड़ा सा सिल्वर ग्लिटर भी इस पे लगाया है ताकि थोड़ा सा शाइन करे ये। और बीच से डेप्थ करने के बाद हम ऊपर की साइड इस चांद को एडजस्ट करेंगे ग्लू की हेल्प से। अच्छे से हम स्टिक कर देंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये लग जाए। मैंने थोड़ा सा मोटा लिया है ताकि ये इम्बोस नज़र आए। बॉटम साइड पे हम ये मट्टी लगाएंगे क्योंकि हमें सी शोर साहिल समंदर का इफ़ेक्ट देना है, जब भी तो सीपियाँ आएंगी यहाँ पे, और सीपियों को भी फिर हम एडजस्ट करेंगे यहीं पर। तो ग्लू की पहले हम ग्लू लगाएंगे, फिर ऊपर से ये बजरी या मट्टी, कोई भी चीज़ ईजिली अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। हम स्प्रेड करेंगे जहाँ जहाँ हमने वाइट ग्लू लगाया है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। हाथ से प्रेस करेंगे ताकि हमारे ये बजरी या मट्टी अच्छे से स्टिक हो जाए। थर्ड और लास्ट पार्ट स्टार्ट हुआ है जो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और बनने के बाद इंशाल्लाह देखिएगा बहुत खूबसूरत हमारी पेंटिंग होगी। ये मैंने थोड़ा सा बेज कलर लिया है और मैं उसका ट्रंक बनाऊँगी यानी तना बनाऊँगी दरख्त का, तो इसको मैं मोटे मोटे स्ट्रिप्स में काट रही हूँ और फिर हम अपने इस हार्ड शीट पे इसको एडजस्ट करेंगे जहाँ हमें लगाना है। फिर सबसे पहले हमने ग्लू लगाया है और इसको लंबे साइड पे हमने स्टिक कर रही है। हाथ से थोड़ा सा प्रेस करूँगी मैं इसको, और ये देखें बारीक बारीक इसको मैं इफ़ेक्ट दूँगी, जैसे
आप बहुत सारे ट्री में आप देखते होंगे ये नेचुरल लुक आए, तो ये 4 इंच के फासले से या 3 या 4 इंच के फासले से मैं ये लगाते जाऊंगी। और इस तरह से देखिए मैंने 2-3 तने को एडजस्ट किया है और साथ साथ मैं लगाते भी जा रही हूँ ये डबल बारीक लेयर ग्लू की हेल्प से। हमारे ब्रांचेस और ट्रंक लग चुके हैं, अब हम इसी कलर में ही लीफ बनाऊंगी। लीफ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पहले हम ड्रॉप बनाते हैं, ड्रॉप के बाद मैं लीफ का इफेक्ट नहीं दूंगी, जस्ट मैं टूथपिक से सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूंगी, तो ये एक लीफ का इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमारा ये सिंपल लीफ है। लीफ के ऊपर ही हम फ्लावर अरेंज करेंगे। और ये मोल्ड वो है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस मोल्ड से मैं फ्लावर बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्लावर चाहिए हमें, तो मैं ऑरेंज फ्लावर इसी लीफ के साथ साथ एडजस्ट करते जाऊंगी ग्लू की हेल्प से। और बीच में इसके छोटे से साइज में, थोड़ा सा साइज छोटा होगा, रेड फ्लावर हम इसके साथ साथ अरेंज करते जाएंगे। तो ये पूरा ट्री हमारा ऑरेंज और रेड फ्लावर से हम इसको फुलफिल करेंगे, पूरे ब्रांचेस को जहाँ जहाँ हमने लीफ लगाया है वहीं हम ये ऑरेंज फ्लावर मोल्ड की हेल्प से मैं बना रही हूँ ये। चाहे तो आप 3 या 4 पेटल का ही बना सकती हैं। अब मैं नीचे एक छोटी से रॉक का इफेक्ट दूंगी, मैंने ब्राउन और वाइट कलर डो में मिक्स किया है। और ये देखिए जहाँ हमारे ये ट्रंक स्टार्ट हो रहा है वहाँ मैं छोटा सा रॉक बनाऊंगी ग्लू की हेल्प से। मैं सबसे पहले रॉक लगा रही हूँ, उसके ऊपर एक छोटे छोटे चट्टान या पत्थर समझ रहे हैं आप, या जो कि साहिल समंदर पे छोटे छोटे चट्टान होते हैं उसका इफेक्ट दे रही हूँ मैं। तो मैंने ब्राउन और वाइट जो कलर मिक्स करके लगाया है और ये हम बिल्कुल नीचे ट्रंक के साथ ही हम ये सेट करेंगे ग्लू की हेल्प से, ताकि ये छोटे छोटे रॉक का इफेक्ट आए इसमें। पहले एक बड़ा पीस लगाएंगे, उसके बाद एक छोटा पीस लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं मोटा ले रही हूँ ताकि ये नेचुरल स्टोन या रॉक लगे। अच्छे से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी रॉक के ऊपर मैं छोटे छोटे ग्रीन लीफ का इफेक्ट दूंगी, जो छोटे छोटे आप देखती होंगी रॉक के अंदर से, चट्टान के अंदर से ग्रीन बहुत खूबसूरत लगते हैं, घास की इफेक्ट, ग्रास का इफेक्ट देता है। तो मैं ये छोटे छोटे बारीक स्ट्रिप्स लूँगी और इसको टर्न करके फिर हम ये सारे चट्टान के ऊपर लगाएंगे। अब असल मरहला आता है जिसके लिए ये पेंटिंग के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो है सीशेल। सीशेल मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, अब हम सीशेल एडजस्ट करेंगे। जितनी बड़ी कैनवस होगी इतने ही ज़्यादा आप सीशेल लगा सकती हैं, मैं सिर्फ 3 एडजस्ट करूँगी। इटालियन डो पेंटिंग हमारी रेडी है, आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकती हैं और स्टैंड के साथ कहीं भी इसको रख सकती हैं। आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने सिखाया था सीशेल, उसको यूज़ करना बताया कि आप डो पेंटिंग में कैसे इसको सेट कर सकती हैं। उसके अलावा अब आप केक खा तो लेंगी, लेकिन केक के नीचे का हार्ट शीट या गत्ता उसको फेंकिएगा नहीं बल्कि धो के रखिएगा। उसके और भी यूजेस बताऊंगी मैं, आज मैंने आपको ये डो पेंटिंग बताई है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारी यूजेस बताऊंगी, पेंटिंग बताऊंगी किस तरह से और हम इसको डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।